रहीम यार खान के कच्चे पुलिस अहलकारों की शनाख्त शहादत में मुलविस मरकजी मुलजिम अंजाम को पहुंच गया। पुलिस का रात गए भरपूर जवाबी ऑपरेशन। हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर हलाक, डाकू नसीर और गदीगोश उर्फ मीना समेत 5 डाकू शदीद जख्मी। गुज़श्ता शाम माचका में डाकू ने पुलिस 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया, 12 अहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई तो डाकू ने रॉकेटों से हमला कर दिया। हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 के करीब अहलकार थे। पंजाब पुलिस ने 5 लापता अहलकारों को बासियाब करा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, बुजदिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस फोर्स का मोराल पस्त नहीं कर सकती। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में फौरी ऑपरेशन का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को भी फौरी कच्चे के इलाके में पहुंचने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत, जख्मी अहलकारों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह के सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पंजाब पुलिस को जो भी मदद दरकार है वह फौरी की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की डाकुओं के पुलिस पर हमले की शदीद मुज़म्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी कुछ देर में रहीम यार खान पहुंचेंगे। मोहसिन नकवी शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखला अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। कच्चे में ऑपरेशन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। कच्चे के इलाके में पुलिस पर हमले से पहले और बाद की वीडियो सामने आ गई। दिन के वक्त अहलकार आपस में शहादत की बातें करते रहे। गाड़ी खराब होने पर भी अहलकार एक दूसरे को शहादत की नवीद सुनाते रहे। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी जायरीन की मैगतें आज सखर पहुंचेंगी। ज़रा के मुताबिक मैगतें C-130 तैयारी के जरिए लाई जाएंगी। 15 जख्मियों को भी खसूसी परवाज में सखर लाया जाएगा। जख्मियों और मैगतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। वर्षा को प्यारों की मैगतों का इंतजार। कनकोट की एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। जाँ बहक अफराद के वर्षा को तफसीलात फराहम कर दी गई। शदीद जख्मी ईरान में ही ज़ेरे इलाज। कौमी असम्बली के पहले पार्लिमानी साल के इब्तदाई 6 माह हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की नज़र। ईवान ज़ेरी के 8 सेशन में 41 रोज़ की कार्रवाई, सिर्फ 11 कवानीन मंजूर किए गए। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मजमू तौर पर 26 बिल पेश किए गए। दस्तावेज़ के मुताबिक कानून साजी के बरक्स इजलासों में शिरकत पर अराकीन को तनख्वाह के अलावा 6.5 करोड़ रुपये डेली अलाउंस की मद में मुआवजा मिला। बजट में अराकीन असम्बली के लिए तनख्वाहों, अलाउंसेस और बरात की मद में 2.5 अरब से ज़ायद बजट की मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने का फिर शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो के पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला हल किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में महंगाई और बिजली बिलों का मामला भी उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम भी महंगाई का खात्मा चाहते हैं, आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जमातों का चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का चंद रोज़ में अहम कानून साजी का इशारा भी। मुबारक सानी नजर सानी फैसले का पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 की हजफ। हजफ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दुरुस्तगी से मुतालिक विफाक की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इसलाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है, कोई भी गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नजर सानी दायर करने वालों का शुक्रिया। वजाहत करना चाहते हैं, जिन्हें नोटिस किया था उनकी तरफ से बहुत दस्तावेजात मिली।
तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके। जो कोताही है हम किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने कातिल की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। लतीफ खोसा भी पेश, रुकने पार्लियामेंट के तौर पर सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा, खोसा साहब पार्लियामेंट बहुत बाख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया, कहा गया हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़्फ़ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सरबरा JUI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मुतल्लिक कायल किया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। जब कोई कह दे इंसान से गलती हो सकती है तो ये बात काफ़ी है। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक थी। फैसले के बाद मजहबी जमातों के रहनुमाओं के कमरे अदालत में नारे, फैसले पर खुशी का इजहार। उलमाए कराम ने 3 पैराग्राफ हज़्फ़ करने की इस्तदा की थी। किसने भेजा? रान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है। फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम साहब? आती इजाजत कैसे मिली? तहरीके इंसाफ का जलसा किसके कहने पर मुलतवी हुआ? बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात के बाद आजम सवाती और बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। अलीमा खान के आजम सवाती के बानी पीटीआई से सुबह सवेरे मिलने पर सवाल, जलसा मुलतवी करने पर सख्त खफा, ऑडियो सामने आ गई। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुँचाया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी का लगा देते हैं। सुबह 7:30 बजे अडियाला में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीके इंसाफ को बाहर निकालने का। अपोजिशन अलायंस तहरीके तहफ़ुज़े आईने पाकिस्तान भी लायल। इजलास में गुफ्तगु करते हुए अलायंस सरबरा महमूद जगजई ने कहा, जलसा मनसूख करने पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? पीटीआई रहनुमा वजाहत देते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई थी। मुसलसल दूसरी बार नैब अफसर उमर नदीम पर जरा नहीं की जा सकी थी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से हॉवर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकातें। आई SPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में पाक फौज के पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर कोशिशों और जमहूरी इकदार के तहफ्फुज़ के आज़म पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तराक की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी तआवुन और तरक्की की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती तालुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। तजारत और सरमायाकारी में दो तरफा तआवुन को मज़ीद गहरा करने के आज़्म का इरादा। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर भी इतफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाक जर्मन तालुकात दिन ब दिन बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। मुल्क की तरक्की में खवातीन के मौशी किरदार को बढ़ाने के लिए पुराज़म है।
बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर शाकिबुल हसन के खिलाफ ढाका में कातिल का मुकदमा दर्ज। अदाकार फिरदौस अहमद भी मुकदमे में नामजद। शाकिबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कातिल का इल्ज़ाम आयद। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कातिल का मुकदमा दर्ज कराया। शाकिबुल हसन शेख हसीना वाजिद की आवामी लीग के रुकन पार्लियामेंट भी हैं। रावलपिंडी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। बांग्लादेश ने दो विकेटों के नुकसान पर 68 रन बना लिए। 380 रन का ट्रायल बाकी। बैटर जाकिर हसन 12 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान ने शानदार कैच पकड़ा। कप्तान नजमुल हसन शांतो को खुर्रम शहजाद ने पवेलियन की राह दिखाई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने 448 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। साउथ शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,000 की नफसियाती हद बहाल। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 26 पैसे सस्ता 278.40 रुपए का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चिकन की बैन अलसूबाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म कर दी। मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत। डीसी डेरा गाजी खान कमांडेंट पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। अदालत ने कहा कानून में ऐसी पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोई पाबंदी साबित हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज खिताब में कमला हैरिस ने कहा ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी कौम को नया मुस्तकबिल दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे।